हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में अमित शाह, कल पहुंचेंगे लखनऊ। वहीं मिर्जापुर में करीब 288 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह लखनऊ में साइंस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मिर्जापुर में सीएम योगी के साथ विद्यांचल कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। अमित शाह मां विंध्यवासिनी मंदिर जाएंगे, मां गंगा की आरती कार्यक्रम में होंगे शामिल और यूपी चुनाव के मद्देनजर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अमित शाह के दौरे को लेकर मिर्जापुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस के 2000 जवानों की तैनाती, डॉग स्क्वाड और ड्रोन से भी निगरानी। शाह के दौरे से पहले विधायक रत्नाकर मिश्रा के साथ विंध्यवासिनी धाम में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी। यूपी बीजेपी इंचार्ज राधामोहन सिंह ने गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी के सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ काशी में मीटिंग की। यूपी में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर सतीश मिश्र ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। सतीश मिश्र बोले, आतंकित और प्रताड़ित है ब्राह्मण समाज, सम्मेलन के जरिए ही उनकी बात सुनेंगे और दर्द को भी बांटेंगे। यूपी में पिछड़े वोटरों को साधने में जुटे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी महासम्मेलन शुरू किया। विपक्ष की जातिवादी पॉलिटिक्स पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का वार, कहा चुनाव के 6 महीने पहले ही जागता है प्यार, जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पर भी दिनेश शर्मा का तंज, कोरोना के समय बाहर नहीं निकले, वोट के लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे। AIMIM प्रमुख ओवैसी का पीएम मोदी और योगी पर निशाना, पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर आंखों में धूल झोंक रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ओवैसी ने पूछा, यूपी में 4 लाख कुपोषित बच्चे हैं, हजारों डॉक्टर्स के पद खाली हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बंद हैं, युवा बेरोजगार, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मोदी योगी ने यूपी को भाषण और कुपोषण में नंबर 1 बना दिया है। संजय सिंह का विवादित बयान था, अन्नदाताओं को मवाली बोलने वाली पार्टी का नाम बीजेपी से बदलकर भारतीय जंगली पार्टी रखना चाहिए। यूपी के बहराइच में AIMIM कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, संगठन की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। ममता और अखिलेश को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर बवाल, एसपी नेता अभिषेक मिश्र ने कहा, घमंड अहंकार में चूर, जनता देगी जवाब। बलिया के बरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी को कहा था नमकीनी, अखिलेश यादव को बताया था औरंगजेब। यूपी चुनाव में उतरेगी जीतनराम मांझी की पार्टी, लखनऊ पहुंचे पार्टी नेता और बिहार के मंत्री संतोष मांझी। यूपी चुनाव में रामदास अठावले की भी एंट्री, लखनऊ पहुंचकर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद से मुलाकात की। रामदास अठावले बोले, एसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, प्रियंका गांधी जातियों को जोड़ रही है, 2022 में जीत बीजेपी की होगी। अठावले से मुलाकात पर बोले मौलाना जवाद, 10% आरक्षण में शिया मुसलमानों को ही तवज्जो दी जाए। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, किसान और पेगासस मुद्दे पर दखल देने की अपील। मीटिंग के बाद बोली हरसिमरत कौर, विपक्षी दल सरकार से किसान और पेगासस समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार अनदेखी कर रही है। सिद्धू के साथ अधूरी बैठक पर पंजाब के दलित कांग्रेस विधायक नाराज हुए, सिर्फ 30 मिनट में बैठक खत्म हुई, 4 जिलों के दलित कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कांग्रेस के दलित विधायकों की नाराजगी के बाद सिद्धू ने दोबारा मीटिंग बुलाई, अब मंगलवार को बैठक। सिद्धू ने शहीद उधम सिंह को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी, कहा पंजाबियों में अलख जगाती है फतेहगढ़ साहिब की धरती। सीएम अमरिंदर ने सुनाम में किया शहीद उधम सिंह की कांसे से बनी प्रतिमा का उद्घाटन, शहीद उधम सिंह के वारिसों से भी मुलाकात। पंजाब यूथ कांग्रेस ने 2022 चुनाव के लिए जारी किया पोस्टर, कैप्टन बोले उपलब्धियों को 2022 के चुनावों में जमीनी स्तर पर लोगों को समझाएंगे। बीजेपी का कैप्टन सरकार पर निशाना, मोहाली में 31 एकड़ जमीन बिना प्रक्रिया के दी, नीतियों से हर वर्ग नाखुश, क्या यही चाहता है था पंजाब। पंजाब बीजेपी ने ट्विटर पर केजरीवाल को लेकर एक वीडियो शेयर किया, आम आदमी पार्टी को झूठे वादों वाली पार्टी कहकर निशाना साधा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हुई, 10 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन के बाद भी पत्नी को ट्रांसफर नहीं हुई पेंशन, परिवार का आरोप, कोषागार विभाग ने दस्तावेज खोले। ऋषिकेश पहुंचा आम आदमी पार्टी के युवा संवाद का कारवां, कर्नल अजय कोठियाल बोले युवा तय करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की दिशा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुड़ियाल के खींचुए वाले बयान पर आपका पलटवार, बीजेपी नाग तो कांग्रेस सांप, 20 साल से जनता को डस रहे हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का विधानसभा में यू टर्न, बोले गोवा में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। आम आदमी पार्टी नेता राहुल महाबरे ने विश्वजीत राणे के बयान को असंवेदनशील बताया, कहा क्या खुलेआम झूठ पर कोर्ट संज्ञान लेगा। गोवा विधानसभा में भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक पास हुआ, 30 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले निवासियों को मिलेगा स्वामित्व का अधिकार। गोवा विधानसभा में हंगामे पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, सरकार की नीतियों और बढ़ती लोकप्रियता से हताश और निराश है विपक्ष। सीएम प्रमोद सावंत के रेप वाले बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला, प्रदर्शन के दौरान कहा सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य। ये थी चुनाव से जुड़ी 40 खबरें, लेकिन सियासत से दूर आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नए IPS ऑफिसर से 60 मिनट तक संवाद किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आगे आने वाली जिम्मेदारियों को लेकर क्या समझाया, कैसे इंस्पायर किया, पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं सौरभ शर्मा के पास, देखते हैं हकीकत क्या है।
सुरभी शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।